ग्राम भी कदम आगे बढ़ाया तो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दूंगा। शांति शांति, हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए। वहीं रुको, आ रहा हूँ। ए चिंटू क्ले, हम तुझे छोटा भीम कहें क्या? अबे जिंगुर, पहले शुरू तो होने दे। ये क्या चीज है? चीज नहीं, जेंटलमैन। सॉरी, नाम में क्या रखा है? प्यादों के नाम नहीं होते, हम प्यादे हैं। ओके, तो फिर प्यादू, यहाँ आखिर हुआ क्या था? यहाँ पर मेरी पांचवी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, उसकी पार्टी मना रहे थे और अचानक यहाँ पे दो उंतरू फुंतरू आ गए, उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं तो भूल ही गया, रानी साहिबा। ओ ये तो कट ली। हम कभी दूसरी रानी की खिदमत नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं, हम ये खंजर अपने जिस्म के आर पार कर लेंगे, हमारा दिल जिगर गुर्दा फना हो जाएगा। अभिषम, स्पेलिंग मिस्टेक, फना। हे, तुम इस तरह से अपनी जिंदगी का दियर नहीं कर सकते। मोहतरमा, रानी का प्यादा बिना रानी के सिर्फ एक प्यादा होता है, जिसका कोई वजूद नहीं, बस एक ही रास्ता बचा है इस दर्द भरी दुनिया से अपने आप को रुखसत करने का। नहीं नहीं, हमें रोको मत, आज तो बिल्कुल मत रोको। रोक रहे हैं क्या? तुम्हें नहीं लगता हमें इसे रोकना चाहिए? देखते हैं ना, मजा आ रहा है यार। माफ करना, कुछ कहा क्या? तुझे नहीं, तू कंटिन्यू कर। नहीं, इसने नहीं, पर मैंने कुछ कहा। तुमने? हाँ, इसने सब कुछ देखा है। तो सुनो प्यादू, असल में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी रानी ये चाहती कि तुम ऐसे ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ। तुम कौन हो ये बोलने वाली कि एक रानी क्या चाहती है क्या नहीं? तुम रानी हो क्या? वैसे मुझे रानी शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर नहीं, मैं रानी वानी नहीं हूँ। लेकिन तू जानता नहीं है ये कौन है? ये एजेंट है। लड़की और जेंट्स, ये कोई खिताब है? हाँ, ये बहुत सॉलिड खिताब है, इस खिताब की बहुत अहमियत होती है, इसमें आन बान शान और एकदम तगड़ा जिगर चाहिए, समझा क्या चिंटिया? ये आइडिया मेरे दिमाग में फुदका क्यों नहीं? मरहूम को इज्जत देने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। सही, हम कयामत तक आपकी सेवा करेंगे, सुबह नाश्ते में केकड़े का जूस। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। अबे तो हम कसम खा चुके हैं, भशुम पहले बोला होता। नहीं नहीं नहीं, तो सोचते। मुबारक हो। अगर आप हमसे पहले टपकी तो हम टप्पा खाकर बोलते हैं कि ये खंजर अपने जिस्म के आर पार कर लेंगे। मौका मिलने दे, पहले तुझे टपकाऊंगा। चलो निकलते हैं। रानी सेनोरिटा, मैं भी हूँ ना, मुझे कैसे भूल सकती हो? ठीक है। एच, असल में मैं कब से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, मतलब किसी चीज के बारे में। हाँ? और वो चीज तुम्हारा मतलब ये? तुमने ये चुरा लिया? चुराया नहीं, बल्कि वो सबूत हासिल किया जो तुमने क्राइम सीन से चुराया था। बंगस से मुझसे कहते ये छुपा लो, और मुझे किसी पे भरोसा अच्छा, नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे छोड़कर बंगस पे भरोसा किया? इट हर्ट मी, तुमने मेरा दिल क्यों दुखाया? दिल है तुम्हारे पास? एच, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? कल्टी टाइम, ये सब क्या हो रहा है? लगता है यहाँ पे बॉडीगार्ड 2 की शूटिंग चल रही है, लेकिन भाई नहीं दिख रहा है कहीं पे। थैंक यू, मैं चाहता हूँ तुम हर गली नुक्कड़ और नाले को बंद कर दो अभी। अब जरा कीमत में उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। जी सर। ऐश, मेरी बात ध्यान से सुनो, यह ऑपरेशन मेरा नहीं है। वहाँ से निकल जाओ और मुझे रिपोर्ट करो। शायद एम का शक सही है, मैंने इन ब्लैक में कोई ना कोई खतदार जरूर है। यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही है, हमें शूट करने आया, मैं तुमसे मिलता हूँ चौराहे पे, जाओ। प्लीज सर, साइड दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, साइड साइड साइड। क्या बोल रही है पब्लिक? तेरी फटफटिया लेकर जा रहा हूँ। लेकर तो जा रही है लेकिन वापस ला। हाँ, लेकर आती पहले तू देती तो। बसम,
सही है, पर इसका एक्सीलेटर किधर है और ब्रेक? पानी लो, कड़क धूप है। ग्लूकोन सी डाला, अच्छे से हिलाया ना, बाकी ये कंट्रोल में तो आएगी ना भाई। हाँ, एकदम फटाफट और सटासट चलती है, जैसे मक्खन पे छुरी चलती है। चल रावस। आसमान से गिरे और खजूर में भी नहीं हटके। एच, अरे हाँ, चश्मा पहनो। ओ भाई लोग, इधर देखो, एक फोटो लेनी है। लाओ ये मुझे दो। क्या कहती हो, लाल बटन दबा दूं, शायद ये उड़न खटोला का बटन है। नहीं नहीं, शायद उसका नीला बटन है। वैसे अम्मी जहाँ कह रही थी दिल की आवाज भी सुननी चाहिए। हाँ, पर किसके दिल की? अरे कोई कुछ तो दबा। मजा आ गया, ये तो पॉकेट में रॉकेट निकला। हाँ। देखा, अम्मी ने सही कहा था। अब बाकी भी सुन लिया करो। अपनी लाइफ बच गई, मतलब अपना टाइम आ गया। मैं रास्ते में सारे समोसे खा गया। वाह, ये क्या हो रहा है? ये हिल रहा है। ये क्या झोल है? इसके बीच में देख रहे हो? देखो फोटोस्फीयर के अंदर चारों तरफ कैसे जबरदस्त एनर्जी निकल रही है। हाँ, मुझे दिख तो रही है वो फोटो वाले हिस्से में वो। अच्छा, असल में ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं। क्या वो, मैं समझा नहीं, अंदर बम बम फट रहा है? मेरे ख्याल से इसके अंदर एक सार है जिसे बहुत ज्यादा कंप्रेस किया गया है, और इसके कलर के हिसाब से मुझे लगता है ये लूप जायंट है। चलो इसका भी बटन दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा मतलब है हम दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन को मजे के लिए इस्तेमाल करें? मतलब विज्ञान और मस्ती के लिए। हाँ, वैसे मस्ती की बात शरा तो है ही। अच्छा ठीक है, इससे खाली जगह तो कहीं नहीं मिलेगी, यानी जगह भी है, जरूरत भी और मौका भी। मतलब मार दो मौके पे चौका। तो इसकी पार की सेटिंग एकदम कम रखे, क्या कह रहे? तुम जल्दी स्टार्ट तो करो, मुझसे सबर नहीं हो रहा। मुझे लगता है इसका एंटीना थोड़ा ढीला हो गया है। कम पावर में मिट्टी का इतना बड़ा शावर। ये जो कलाकारी तुमने की है उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें, कसम से।